सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और दोस्तों फिलहाल हम अभी निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, क्योंकि हमें धनौल्टी, चक्राता, मसूरी सारी जगह हम कवर करने वाले हैं। और हम अभी निकल गए थे, थोड़ा ही दूर निकले हुए हैं कुछ, उसके बाद में फिर यहाँ से अभी बस निकली और अभी अपडेट्स देते जाएंगे। और कैसे जा रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। दो तीन बाइक लेके जा रहे हैं हम ये, और एक बैग है बस अपना, नॉर्मल नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी सामान है हरिद्वार में। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या चीज़ें हैं और बाई का आपका कितना कॉस्ट आता है और सारी चीज़ें। फिर चक्राता धनौल्टी में भी जाएंगे तो उसके एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको इस सीज़न में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और आज की डेट 30th October है, तो सीज़न अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी यहाँ पे। सो करते हैं ट्रिप इसी के साथ में और अपडेट देते रहेंगे जैसा भी होगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो दोस्तों फाइनली हम हाफ वे पहुँच चुके हैं। और बाइक का ऑडोमीटर दिखाऊं तो आप देख सकते हो हमने जर्नी स्टार्ट की थी 497 में, अभी 604। हमने यहाँ पे 107 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और 100 किलोमीटर्स बचे हुए हैं हमारे हरिद्वार के। सो अभी थोड़ा सा रुके हुए थे साइड में, ये अपनी बाइक रही कुछ, और बीच में एक थोड़ा सा सीन हो गया था हाईवे जो दूसरा, तो उसके लिए हमने किया था, तो हमारी चेन में भी कपड़ा वगैरह कुछ फंस गया था, उसकी वजह से आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा सा गंदा हो गया था यहाँ पे। तो अभी फिलहाल बढ़िया चल रही है। फाइनली यहाँ पे हम रुड़की से 30 किलोमीटर पहले रुके हुए हैं और यहाँ पे हमें छोले भटूरे वाला देखा था, तो हमने छोले भटूरे खाएंगे। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, और यहाँ पे 60 किलोमीटर्स बचा हुआ है जो कि 1 घंटा लगेंगे हमें मैक्सिमम पहुँचने में। सो उसके आगे फिर पहुँच के बता दो।
ऑलमोस्ट हरिद्वार पहुंच चुके हैं और 10 किलोमीटर बाकी है हमारा फ्लैट है जहाँ पे, और अभी फ़िलहाल हुए हैं इस जगह पे। तो सोचा KFC पे खा लेते हैं कुछ, तो अभी KFC पे जाते हैं, देखते हैं करा सकते हैं या लेके भी जा सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं एक बार पहुँचने का। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये अपनी सोसाइटी है जहाँ पे हमको रुकना है। जाते हैं थोड़ा आराम करते हैं और फिर बताते हैं कि कल का क्या प्लान है आगे के दिन का और कहाँ पे हमें विज़िट करना है। तो स्टेडियम से एक और अपडेट देना था कि हमको कितना टाइम यहाँ पे लगा आने में और उसके अलावा कितने किलोमीटर्स हमको यहाँ पे लगे। सो दिल्ली से हम यहाँ पे हरिद्वार तक आए और अब तो अभी आप देख सकते हो मैंने ट्रिप 2 कर दिया था, तो हमारे यहाँ पे 206.8, तो ऑलमोस्ट 207 किलोमीटर्स हमने यहाँ पे ड्राइव किया है और हमको जो टाइम लगा है वो आप देख सकते हो, जो सिर्फ राइडिंग का टाइम है वो 223 मिनट्स। तो ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हो कि 3 hours and 45 minutes हमने यहाँ पे ड्राइव किया है टू कवर 207 किलोमीटर्स। इसके अलावा एवरेज स्पीड इसकी निकल के आती 55 किलोमीटर पर आर। और तो ये कुछ सीन है, हम एग्जैक्ट टाइम निकले थे 12:15 पे और हम यहाँ पे 5:15 पे पहुँच गए थे। तो बेसिकली 5 घंटे लगे, 4 घंटे की ड्राइविंग आप समझ सकते हो, 1 घंटे का रेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत सारा सब कुछ। यहाँ पे हम सही टाइम से बिल्कुल पहुँच गए हैं। तो कोई भी अगर आ रहा है तो जनरली यहाँ पे 5 घंटे का टाइम लेके चलें कि 5 घंटे में यहाँ पे आराम से आप लोग पहुँच जाओगे।